बालोट में दो दिन पहले मंगलवार को विपणन संघ के खाद्य अधिकारी भगत राम यदु ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद कांग्रेस अब मैदान में उतर गई है। कांग्रेस ने मुख्य सड़क पर पैदल मार्च कर शंखनाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कारगिल चौराहे पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आलोट विधायक पुत्र मानस चावला की आंख से आंसू छलक गए। वह रोने लगे। रोते रोते उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर मामला दर्ज हुआ है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता डीपी धाकड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि खाद्य अधिकारी भगत राम यदु की मौत की जांच सीबीआई से होना चाहिए। उन्होंने आक्रामक तेवर अपनाते हुए कहा कि विधायक पर 50 बोरी लूट का मामला दर्ज करवा दिया। कलेक्टर एसपी में दम है तो एक एक बोरी भी उठवाकर बताए। नागदा विधायक ने कहा कि यह दुखद घटना है। सरकार के दबाव में क्षेत्र के अधिकारी काम कर रहे हैं, उसी के कारण भगत राम यदु पर दबाव बनाया गया जिसके कारण उनको अपनी जान देनी पड़ी। इसके साथ ही कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया। आलोट से जीतू वरोला की रिपोर्ट। यह घटना काफी दुखद है। भगत राम यदु जो मानसिक रूप से काफ़ी दबावों में थे और जो भारतीय जनता पार्टी शासन ने उन पर दावा बना के विधायक मनोज चावला के खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज कराया था, जब से ही उनकी आत्मा कचोट रही थी। आज उनकी पत्नी का भी बयान आया जो उन्होंने भी उच्च अधिकारियों को दोषी माना है, तो इस पर हम इस पर जाँच करने की मांग को लेकर यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया गया है। हम आने वाले विधानसभा में भी इस बात को उठाकर उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे और हमारे साथी भाई मनोज चावला जी, भाई योगेंद्र जी, उनके खिलाफ जो झूठा प्रकरण बनाया है उसका भी हम विधानसभा में इस बात को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। खाद लूट कांड के मामले को अभी तक कांग्रेस पार्टी ने बड़े स्तर पर कहीं नहीं उठाया, क्या कारण है? पार्टी ने हर फोरम में उठाया है, आप लोग देखें कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ जो बातें आती उनको किस प्रकार मीडिया में दबाती है, आप लोगों से छुपाने इस प्रकरण में भी आप कई मीडिया कर्मी उससे दबाव डाला गया है कि अब उनके खिलाफ़ बयान दिए जाए, तो मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के शासन की कार्यप्रणाली है। वो कभी सच्चाई जनता के सामने नहीं आने देना चाहती, मीडिया के माध्यम से उस बात को छुपाने का प्रयास करती है, परंतु सच्चाई अधिक दिन तक नहीं छुपती। जिस प्रकार अडानी का पर्दाफाश हुआ, ऐसे भी हर चीज़ जो चीज़ें छुपाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी, आने वाले समय सब उजागर होगी और सच्चाई एक दिन बाहर आएगी। 3 महीने हो चुके हैं इस पूरे कांड को लेकर, लेकिन प्रदेश कांग्रेस की तरफ से अभी तक प्रदेश अध्यक्ष जी का कोई भी बयान इस कांड को लेकर नहीं आया है। बिल्कुल अध्यक्ष जी का पूरा बयान पूर्व में भी आ चुका है, मनोज चावला जी के साथ में, और भारतीय जनता पार्टी का ये राजनीतिक दबाव है उसके खिलाफ है हमेशा रहे हैं।